ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर कोई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करता है तो इसकी वजह से 12 राशियों पर इसका शुभ या फिर अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति को परिवर्तन का कैसा फल मिलेगा ये पूरी तरह से निर्भर करता है शुभ स्थिति के ऊपर। ज्योतिष गणना के अनुसार 1 अगस्त 2020 को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आखिर ये परिवर्तन किन राशियों के लिए हानिकारक साबित होगा और किन राशियों के लिए शुभ फलकारी रहने वाला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश की वजह से कुछ राशियों को करोड़ों का फायदा भी हो रहा है। दरअसल इन राशि के लिए ज्योतिष के जानकार वो ये कह रहे हैं कि अब इन राशियों के लिए शुक्र का गोचर जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इन लोगों को आर्थिक उन्नति की प्राप्ति हो सकती है, घर परिवार के सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी और अपने बिजनेस व्यापार में जिस भी कार्य में ये लोग हाथ डालेंगे उसमें इन्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। चलिए हम आपको बता देते हैं उन राशियों के बारे में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो राशियां हैं वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला। इसी तरह रोज़ाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।